है ये 18 प्लस वालों के लिए है भैया, बच्चों के लिए नहीं है ना? नहीं बच्चों के लिए। चलो इस सामने देख लो, 440 वोल्ट का पराठा आ गया हमारे सामने, इसे रख। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फूड क्रश। और आज हम आ गए भाई आप लोगों के लिए लेके एक 440 वोल्ट का झटका, 440 वोल्ट का पराठा। भैया ये भैया करता रहता है आगे। सर अपना नाम बता दो एक बार। मेरा नाम महिपाल सिंह। अच्छा, तो महिपाल की मतलब आपने अपनी वो पूरी कार्ट लगा रखी है, देख लो भाई महिपाल के स्पेशल बटर वाले छोले कुलचे बेचते हैं यहाँ पर। तो ये छोले कुलचे के साथ साथ पराठा भी बेचते हो? पराठा ही बेचते हैं। 440 वोल्ट का? 440 वोल्ट का। ये कैसे सोचा आपने? ये सोचा जो ज्यादा मिर्ची खाते हैं उनके लिए है ये। अच्छा हाँ, खाएगा एकदम मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा मिर्ची वाला। अरे तो भाई 440 वोल्ट का झटका आज आपके लिए लेके आ गया है, तो जल्दी से मेकिंग शुरू करें। मेकिंग शुरू करने से पहले थोड़ी सी लोकेशन समझा दो। अशोक विहार फेस वन जे ब्लॉक मुर्गा मार्केट। अच्छा, बाकी भाई मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ थोड़ी लोकेशन। ये देख लो भाई, ये आ गया अपना मेन रोड आ गई भाई, ये कट है ठीक है। और बिल्कुल अपोजिट में वहाँ पे सामने दिखाऊँ तो इसे कहते हैं भाई मुर्गा मार्केट। और यहाँ पर बिल्कुल कट पे ही, सामने कट पे ही। कितने बजे से कितने बजे तक खड़े होते हो भैया? 10:30 से 5 बजे तक खड़े होते हैं भैया ठीक है। और बिल्कुल कट पे ही है तो आपको सामने दिख जाएगा यहाँ से ठीक है। तो भैया जल्दी से मेकिंग शुरू करें क्या? ये मिर्ची आ गई भाई। कितनी मिर्चियाँ काटते हो इसके अंदर? 4 मिर्ची काटते हैं। अच्छा बस 4 मिर्चियाँ डालेंगी इसमें? अभी और डालेंगी थी अभी। अच्छा अभी और डालेंगी। मैं तो खाली 4 मिर्ची में 40 वोल्ट का पराठा हो गया। और है अभी और डालेंगी। अच्छा अच्छा खासा स्पाइसी बनाएंगे वो लग रहा पराठा आज। ये लो भाई और मिर्ची आ गई भाई यहाँ पर। राम राम जी। भाई 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 अच्छा, पहले थोड़ी सी डालते हो फिर उसके बाद और भर देते हो उसके अंदर? हाँ। अरे वाह भाई, और इसे भाई अच्छे से मिक्स किया जा रहा है अब। तो भाई ये पेड़ी आ गई है, तो भाई सामने देख लो भाई आटे की पेड़ी आ गई है। अब मेरे ख्याल ये इसके अंदर स्टफिंग हुआ है भैया? हाँ। अच्छा जी, ओ भाई 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 अच्छा खासा स्पाइसी बनने वाला है पराठा, 440 वोल्ट का सही में झटका लगने वाला है आज। ये देख लो भाई, ये देख लो भाई पराठा बनना चालू हो चुका है। अब ये बिलेगा? अच्छा जी, ये बिल रहा है पराठा। आ जाओ आप। अच्छा उधर आ जाओ, अब उधर कुछ काम है क्या? अच्छा अच्छा, अब देखते हैं भाई इधर क्या करने वाले भैया। ये क्या बटर आ गया भैया? बटर कौन सा यूज कर रहे हो? अमूल का बटर यूज कर रहे हो? चलो बहुत बढ़िया भाई। ये देख लो भाई बटर आ गया यहाँ पे, फ्रेश फ्रेश कटता है यहाँ पे। देख लो ये प्याज भी मेरे आप लोगों के सामने कट रहा है। मतलब हर चीज फ्रेश काटते हो यहाँ पे, कुछ पहले का काम नहीं है भाई, जो कटता है सामने सामने कटता है। वो देखो टमाटर भी कट रहा है सामने सामने। अरे वाह भाई बहुत ही बढ़िया भाई, ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी भैया मेरे को आपकी। हर चीज़ फ्रेश काट रहे हो, हर चीज़ फ्रेश बना रहे हो। बट मेरे को ये समझ में नहीं आया, पराठा तो हमारा वहाँ बिल चुका है, पराठा नहीं गया अभी तक। अभी इसका मेरे ख्याल कुछ मसाला मसूला कुछ बन रहा है इसमें। और मिर्ची डलेगी? अच्छा और मिर्ची डलेगी? अदरक मिर्ची का पेस्ट। अच्छा अदरक मिर्ची वगैरह का वो मिक्सचर पूरा डलेगा भाई इसमें। देख लो भाई अब ये आ गया भाई यहाँ पे पराठा, और भाई साथ में आ गया ये क्या चीज़ है भाई, मतलब इन्होंने मसाला टाइप का बना रखा है इसको। अच्छा इसके ऊपर डाल दिया भाई, मतलब अच्छे से फैला रहे हैं इसके ऊपर। तो मतलब भाई जब अगर 440 वोल्ट की बात की जाए तो आज अच्छे वाला झटका लगाएंगे भैया। महिपाल भैया है, महिपाल है भैया, महिपाल है ना आपका नाम? तो महिपाल भैया आज अच्छा खासा झटका लगाने वाले 440 वोल्ट का। अरे वाह भाई पलट दिया भाई ने। और भाई ऊपर से आप लोगों को दिख रही होगी मिर्चियां इतनी सारी, और भाई बटर में कोई कमी नहीं दे रहे भाई, बटर दबा के लगा रहे हैं। ये देख लो भाई बहुत ही बढ़िया।
और भाई इसकी जो इतनी तगड़ी फ्रीक्वेंस आ रही है ना, उससे भाई ऑलरेडी खांसी आनी चालू हो चुकी है। तो देख लो भाई, भाई ये अच्छे से सिक चुका है पराठा अपना मेरे हिसाब से। कितनी देर लगी भी है और हो गया सिक गया। सिक गया 440 वोल्ट का पराठा। अरे अब इसके साथ क्या क्या देते हो? इसके साथ छोले हैं, राजमा। अच्छा, छोले और राजमा दोनों चीजें होती हैं। तो भाई सामने देख लो 440 वोल्ट का पराठा आ गया हमारे सामने। इसे रखते हैं इधर क्योंकि गर्म गर्म है, ठीक है। और भाई साथ में हमने राजमा और छोले दोनों लगवा लेते हैं आज। भैया कॉस्टिंग क्या रहती है इस पराठे की? 50 रुपए का दो है जी। 50 रुपए के दो है तो भाई इतना कुछ महंगा भी नहीं लगा मेरे को। लेकिन भाई सिर्फ है ये 18+ वालों के लिए है भैया, बच्चों के लिए नहीं है ना? नहीं बच्चों के लिए। चलो ठीक है, एक बार वार्निंग दे दो, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए नहीं भैया, ये बच्चे नहीं खा पाएंगे। चलो ठीक है भाई। तो भाई भैया ने भी बोल दिया, मैंने तो आपको बता ही दिया कि बच्चों के लिए नहीं है ये पराठा। बाकी भाई अपना वहाँ पे छोले आ चुके हैं, ठीक है। ये रे भाई छोले और उस साइड लग गए भाई राजमा। तो जल्दी से इसे टेस्ट करते हैं, मेरे को तो थोड़ा डर लग रहा है भाई। 440 वोल्ट का पराठा है आज, की ज़्यादा ही मिर्च ना लग जाए। देख लो भाई, तो भाई सामने देख लो, ये आ गए राजमा, ये आ गया अपना 440 वोल्ट का पराठा, और भाई ये आ गए अपने छोले। तो जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको इसका टेस्ट। तो भाई सामने देख लो ये रहा पराठा, और भाई अब ढूंढ रहे हैं कौन इसको खा पाएगा क्योंकि मेरे अंदर तो दम नहीं। भैया आप खा लोगे क्या? हैं नहीं खाओगे? आप खा लोगे भैया? नहीं भैया। आप खा लोगे भैया 440 वोल्ट का पराठा? नहीं खा सकता। अरे वाह भैया, देख लो यहाँ पे तो कोई भी खाने को तैयार नहीं हो रहा 440 वोल्ट का पराठा। आप बताओ, तेज मिर्ची खाने वाला होगा वही तो खा पाएगा। आप खा लोगे? मैं तो खा ही लूंगा। चलो ठीक है, अब एक बाइट आप ही टेस्ट करके दिखा दो, आ जाओ भाई। तो भाई 440 वोल्ट का पराठा आ गया हमारे सामने, ठीक है। ये देख लो भाई, और भाई बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा के अब इसको मैं टेस्ट करने वाला हूँ। तो भाई अपने चैनल के लिए तो मैंने कर लिया था टेस्ट, अब एक बार फिर से करना है इसको टेस्ट, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे जो नमन भाई हैं वो थोड़े से बिजी चल रहे हैं, तो भाई इस चैनल पे भी अभी मैं ही फोकस कर रहा हूँ। मतलब मैं डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो भाई जल्दी से भाई इसे टेस्ट करते हैं। साथ में आगे भी राजमा, और एक बढ़िया सी बाइट निकाल ली है भाई। साथ में लेंगे भाई थोड़ा गाजर का अचार, अचार बोलूंगा, सिर्फ 18+ वालों के लिए है ये भाई। लिटरली अभी इस टाइम पे हालत खराब हो रही है, मुझे पानी चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा। पानी वानी पी लिया है, ठीक है, अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया है भाई। एक ही बाइट के अंदर इतनी मिर्ची है, तो 440 वोल्ट का झटका सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भाई मिर्ची खाने मतलब मिर्ची के लवर्स होते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो पे बता रहे हो कि कमेंट आया था कि भाई हमें मिर्ची बहुत पसंद है, तो भाई वो लोग यहाँ पर आ सकते हो। कहाँ पर आना है भाई? अशोक विहार मुर्गा मार्केट के बिल्कुल जस्ट अपोजिट सामने दिख जाएगी आपको पूरी कार्ड, ठीक है। तो भाई बाकी गूगल मैप की जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में डल जाएगी। तो जल्दी से इसे ट्राई करते हैं, मतलब ट्राई तो मैं करूँगा नहीं फिनिश करने की, इसको जल्दी से पैक कराते हैं, थोड़ा सा भैया को खिलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। तो भाई अब ना अब एक बाइट भाई भैया को भी खिलाएंगे क्योंकि भैया ने बनाया 440 वोल्ट का पराठा। भैया एक बाइट लो फटाफट। ओ भाई साहब, अब खा के दिखाओ भाई, अब को पानी वानी मत पीना। कैसा लगा? आप नहीं खाओगे 440 वाला? अच्छा, तो भाई कैसा लग रहा है? मजा आ गया? अरे वाह, मुझे लग रहा है भैया है मिर्चों के, मिर्च खाने के शौकीन, तो इसीलिए भैया को लग रहा है स्वाद बढ़िया। बट भाई हमारी तो नहीं जिली, हमें तो भाई इसे पैक कर दो, ठीक है भाई। यही था आज की वीडियो के अंदर। भैया कैसा लगा 440 वोल्ट का पराठा अपने आपको? बढ़िया लगा जी, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा? मिर्ची विर्ची नहीं लगी? नहीं मिर्ची। अरे भाई ये जिगरे वाले बंदे हैं, तभी तो भाई ने स्टार्ट कर रखा है 440 वोल्ट का पराठा। तो खाली 50 रुपए के दो हैं ये? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई एक बार फिर से लोकेशन समझा दो फटाफट। ये अशोक विहार मुर्गा मार्केट,
जे ब्लॉग फेस वन। चलो ठीक है, तो भाई यही था आज की वीडियो के अंदर। तो टाइमिंग क्या रहते हैं फिर से बताना। 10:30 से 5 बजे तक। ये 440 वोल्ट का पराठा मिलेगा ना पूरे टाइम पे। चलो ठीक है, तो यही था आज की वीडियो के अंदर। मिलते आपसे अगली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।